भाइयों को दीपक शर्मा की तरफ से राम राम नमस्कार। स्वागत आपके अपने YouTube चैनल धरती पुत्र किसान पे। आज एक भैंस आप भाइयों को वीडियो में दिखाएंगे। जो भाई पहली बार चैनल पे वीडियो देख पा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई जी शुभ नाम बताएं सबसे पहले तो। अजीत सिंह है भाई साहब। अजीत सिंह। तो गांव, जिला और तहसील? गांव रूपगढ़ है, जिला जींद। गांव रूपगढ़ है, जिला जींद। जींद है। तहसील? तहसील भी जींद है। तहसील भी आपकी जींद है। तो अपना सेल परचेज का काम है? ना भाई साहब, अपना सेल परचेज का कोई काम नहीं है। सेल परचेज का कोई आपका काम नहीं है। तो ये भैंस घर की तैयार की हुई है? हाँ, अपने घर की तैयार की हुई भैंस। इससे अलग कितना पशुधन रखते हैं? इससे अलग चार पांच भैंस हो रहे हैं। चार पांच भैंस हो रहे हैं आपके पास? ठीक है जी। तो ये एक ही बिक्री वाली आज? हाँ एक ही है। ठीक है जी, बताए कौन से ब्यांत की है, कितने दिन की ब्याई हुई है? तीसरे ब्याह। जो भी जानकारी दे, ओरिजिनल जानकारी दे। ना ना सही देवांगे। ठीक है जी। तीसरे ब्याह की है जी। जी। और 10 किलो दूध है, 5 दिन की ब्याई हुई है। 5 दिन की ब्याई हुई है, 10 किलो दूध तैयार है। नीचे बच्चा? बच्चा कटड़ी है। नीचे कटड़ी है। ठीक है जी। तो एक बार मैं पशुधन को नजदीक से कवर करके दिखाना चाहूंगा। शाम के 5 बजे 5:15 बजे जो हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, नीचे इसके इस फीमेल काफ को आप देख सकते हैं। अडर की क्वालिटी की अगर ये देखें, अडर क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी है, जो थोड़ा सा जो डरी हुई जरूर है। एक बार मैं थोड़ा सा जो आप वीडियो को टाइम निकाल के देखें, एक बार ये देखें, थनों के बीच जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा स्पेस है। और देखें मुट्ठी के जो आकार का थन लगे हुआ है, नीचे से काफ़ी साफ सुथरी जोटी है। तो चुवाई वगैरह कैसी है भाई साहब? चुवाई वगैरह बहुत बढ़िया भाई साहब। बढ़िया जी। हाँ। तो एक जानकारी और मैं आपसे लेना चाहूंगा, आगे आ जाएं। जैसे ब्यांत कौन सा है इसका, सबसे पहले ये बताएं। तीसरा ब्यांत है भाई साहब। तीसरे ब्यांत की? हाँ। है। तो पहले ब्यांत में, दूसरे ब्यांत में इसने क्या कुछ दूध दिया उसके बारे में? भाई साहब 14-15 किलो दूध दिया है। 14 से 15 किलो दूध दिया है। अब की बार क्या उम्मीद है? अब की बार 16-17 किलो दूध देगी। अब की बार 16-17 लीटर दूध की उम्मीद आप अपने पशुधन से करते हैं। तो ये देखें भैंस को एक बार नजदीक से कवर करके दिखा देते हैं भाइयों को। ये देखें थोड़ा सा जो डरी हुई है, बाकी किसी प्रकार की अडर में भी कोई कमी नहीं है। सिंगों की बनावट की, अगर फेस की बनावट की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं जो एक सुस्पष्ट जो भाई साहब ने जो जानकारी वीडियो के माध्यम से दी है। और ये देखें अडर की जो पोजिशन है वो काफ़ी अच्छी है, और नीचे इसके फीमेल काफ है। कितने दिन की बिताई ब्याई हुई? 5 दिन की ब्याई हुई है। और इसका जो तांदुआ है ये इस चीज़ का प्रमाण है कि ज़्यादा दिन की ब्याई हुई नहीं है। ये देखें ये जो छोटा सा जो देख सकते हैं आप, बाकी था जो इसका वो टूट गया होगा। तो आपके संपर्क सूत्र और बताएं लास्ट में एक बार, आगे आ जाएं, और मोबाइल नंबर और बताएं। 97293 84102 रामफड़ थारी दा चा बहुत स्वाद रे। रमेश भाई यू सारा दूध का कमाल है। दूध का के कमाल है भाई? हम अपने पशुआ न लगातार न्यूट्री डाइट देवे हैं। भगवान ले एक बार न्यूट्री डाइट वाली थैली। ले भाई दिनेश इसका तो फोटो उतारना पड़ेगा। कड़के चलेंगे शहर मर्यादा, जरूर दे भी जरूर ले आवांगे। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हाँ, इसे आप ऑनलाइन भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। इनके संपर्क सूत्र हैं, कोई भी भाई खरीदना चाहे तो भाई से सीधा संपर्क कर सकता है। एक बार जींद से अपना जो गांव है वो कौन से रोड पे पड़ता है, कितने किलोमीटर की दूरी पे है? जींद से कैथल रोड पर 5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। जींद से कैथल रोड पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे जो आपका गाँव पड़ता है, पास में जो नजदीक का गाँव है वो शाहपुर? नहीं नहीं, कैरखेड़ी। अच्छा कैरखेड़ी गाँव है, और साइड में कनेला लगता है। ठीक है जी। तो ये भाई का पशुधन आप भाइयों को दिखाया, बताना वीडियो के माध्यम से कैसा लगा। कीमत के बारे में भाई जी वो आपसे जानना चाहूँगा, एक जायज प्राइस बताएं कि इससे कम तो देनी नहीं है मेरे को, चाहे घर पे रखनी पड़े। कीमत अब भाई साहब इसकी 1,20,000। ठीक है जी। तो 1,20,000 रुपये भाई ने जो इसकी कीमत रखी है, हाइट लेंथ का हर चीज़ में काफ़ी अच्छा पशुधन है। कोई भी भाई खरीदना चाहे वो भाई से सीधा संपर्क कर सकता है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार चला के और आप भाइयों को इसका पूरा व्यक्तित्व वो दिखा देते हैं। चलने फिरने में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये देखें अडर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। जो चीज़ें हैं भाई ओरिजिनल बताई जा रही हैं, कोई ये नहीं है कि बनावटी बातें हों वीडियो के माध्यम से। और सामने भाई का जो मकान देख सकते हैं, जो घर है इनका, ये देखें